नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों की। शहर के सराफा बाजार में गुरुवार की सुबह यूपी के बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हो गया। 20 दिन पहले झांसी में लूटकर भागे बदमाश एक मकान में छिपे थे। यूपी पुलिस की सूचना पर ग्वालियर पुलिस क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को घेर लिया। खुद एसपी ग्वालियर अमित सांगी पिस्टल लेकर सबसे आगे खड़े बदमाशों को ललकार रहे थे। सवा घंटे तक दोनों ओर से एक दूसरे पर पिस्टल तनी रही। आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के दो फायर किए, जिससे बदमाशों में खलबली मच गई। पहले दो बदमाशों ने हाथ ऊपर कर सरेंडर किया। ग्वालियर शहर के सरफा बाजार में गुरुवार सुबह यूपी के बदमाशों का पुलिस से आमना सामना हो गया। 20 दिन पहले झांसी में लूट करके भागे बदमाश एक मकान में छिपे थे। यूपी पुलिस की सूचना पर ग्वालियर पुलिस क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को घेर लिया। खुद एसपी ग्वालियर अमित सांगी पिस्टल लेकर सबसे आगे खड़े बदमाशों को ललकार रहे थे। सवा घंटे तक दोनों ओर से एक दूसरे पर पिस्टलें तनी रही। आखिर में पुलिस ने आंसू गैस के दो फायर किए, जिससे बदमाशों में खलबली मच गई। पहले दो बदमाशों ने हाथ ऊपर कर सरेंडर किया, पर एक बदमाश मरने मारने पर अड़ा रहा। जब पुलिस ने ग्रेनेड फेंकने की धमकी दी तो तीसरे ने सरेंडर कर दिया। जिस घर में यह छिपे थे वहां से काफी मात्रा में कारतूस व पिस्टल कट्टे मिले हैं। गुरुवार सुबह यूपी के झांसी जिले की पुलिस एक बदमाश को लेकर एसपी के पास पहुंची। यूपी पुलिस ने बताया कि झांसी में एक लूट के मामले में आरोपी को पकड़ा है। इसके तीन साथी सद्दाम खान, गोलू शर्मा, कालू के ग्वालियर के सरफा बाजार की जमुनाबाई मार्केट के पीछे विष्णु वाल्मीकि के मकान में छिपे हैं। इसके बाद तत्काल एसपी अमित सांगी ने क्राइम ब्रांच, कोतवाली थाना पुलिस, यूपी पुलिस को साथ लेकर सराफा बाजार में घेराबंदी कर दी। पूरे अभियान को खुद एसपी ग्वालियर लीड कर रहे थे। करीब 9 बजे पुलिस ने पूरे मकान को घेर लिया। इसके बाद बदमाशों को ललकारा गया। बदमाशों ने पुलिस को जवाब में पिस्टल दिखाई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों के साथ ही माहौल भी गर्म हो गया और दोनों तरफ से हथियार अलर्ट मोड पर आ गए। काफी देर तक बदमाशों ने अन्य रास्ते से भागने का प्रयास किया, लेकिन हर रास्ते पर पुलिस की घेराबंदी थी। पुलिस की तैयारी को देखकर बदमाश घबरा गए। काफी देर तक धमकाने के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले फायर किए। टियर फायर के बाद दो बदमाश गोलू शर्मा, सद्दाम खान हाथ ऊपर उठाकर बाहर निकले। पुलिस ने इनको तत्काल घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इनके पास से कट्टे मिले हैं। देखिए यहाँ गर्मी हुई, ठीक है, हम लोग अपनी गर्मी में लगे हुए, ठीक है, हमारे चाचा के लड़के आए, ठीक है, उन्होंने मकान का ताला तोड़ा जबरदस्ती, ऊपर वाले मकान का ताला को हमारे भैया तो खाली करके चले चुके, उन्होंने अलग मकान ले लिया था, मकान का विवाद चल रहा, ठीक है। अब हम दो भैया बीमार रहते हैं, मेरे को ट्यूबलेस की बीमारी है, मेरे भाई को भी, ठीक है, तो हम बीमार थे। हमने बोला चाचा हमारे छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ जाएंगे, कह लगे जब मेरा मकान है आप अपना कहीं भी इंतजाम कर लो, मैं हिसाब हम कर लेंगे, हमको जो हमारे मकान में हमारे दो कमरे बने उसका हमको हिस्सा मिल जाएगा, हम लोग चले जाएंगे। तो कह लगे ठीक है चले आए। चार दिन बाद में उसके लड़के ने चार पांच लड़के रुका दिए। हमने बोला हमारे यहाँ बच्ची है छोटी छोटी, मैंने एक मेरी भतीजी खत्म होने पर ही है, अभी खत्म हुई है साहब, कल उसकी ग्यारहवीं करी हमने, वो अभी खत्म हुई है, ठीक है। तो कह लगे नहीं जे तो हमारे रिश्तेदार हैं, मेरी रिश्तेदारी के हम नहीं जानते क्या रिश्तेदार हैं। तो मैंने कहा ऐसे आप मत रुको। चाचा है, चाचा ने सामान वामान पैगा पागी कर दी, मोहल्ले वाले जी लोग देखने लगे, गाली गलोच कर गए यहाँ। अब हम लोग बीमार थे दोनों भैया, नहीं बोल पा रहे, तो हमने की साहब क्या करें। ये बंटी भैया आएंगे, मैंने बंटी भैया से बोला, नहीं बंटी भैया ऐसी ऐसी बात है, भैया ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप रुको, अगर तुमको ऐसा दिखे कोई भी बात दिखे तो तुम अपने मोहल्ले वालों से बोलो। तो मैंने दो तीन जनों से मोहल्ले वालों से बोल दिया, आज बोल के ऐसा होता हम कहाँ जाए, हम दो जाना अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं, मेरे छोटे छोटे मेरे क्या हुआ आज सुबह, क्या घटना कर हुआ, कितने बजे से क्या हुआ, 7:30 की बात है आज, क्या हुआ। तो हम आए तो एकदम सिपाही लोग, पुलिस वाले काफी लोग आए, एकदम ऊपर चढ़ गए। मैंने तो पूछा कौन आप, मैंने सर मेरी बात की आप अंदर रहते हो क्या, मैंने कहा चले गए, चलो आप बाहर चले आओ, इतना बोल उन्होंने हमको बाहर कर दिया। मैंने कहा अंदर हमारे साहब बच्चे हैं, आप लोग ऐसे चले गए हो, मैंने क्या बात है सर हमको बता दो, कह रहे कोई बात नहीं आप शांत रहो, अपने बच्चे अपने आराम से निकाल के हम लोग यहाँ पर। झांसी की पुलिस आई हुई थी और तीन बदमाशों के छिपे होने की खबर थी, साथ में कोतवाली की टीम गई और फिर बाद में पता चला कि इनके पास हथियार हैं और ये नीचे नहीं आ रहे हैं,
तो क्राइम की टीम इंदरगंज TI CSP एडिशनल SP मैं स्वयं हम लोग यहाँ आके इनको समझाया, सरेंडर करने के लिए बोला, ग्रेनेडिंग की बात की, उसके बाद इनको समझ में आया तो ये नीचे आ गया। पूछताछ की जाएगी, तीन इनसे देसी कट्टे और काफ़ी मात्रा में एम्यूनेशन मिला है। कितने आरोपी पकड़े हैं? अभी तीन हैं, दो मौके से अभी हैं और एक पहले पकड़ा गया था। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और सांकेतिक अर्थी निकाली। इसी दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया और सरकार से महंगाई कम करने के लिए उपाय करने की मांग की। युवा कांग्रेस ग्वालियर ने बढ़ती महंगाई को लेकर आज ग्वालियर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सांकेतिक रूप से एक अर्थी यात्रा निकाली और इसको लेकर काफी नारे भी लगाए। यहां मौजूद युवा कांग्रेस के बड़े नेताओं का आरोप था कि जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में आम जन की कमर तोड़कर रख दी है। इस ओर मोदी सरकार का कोई ध्यान नहीं है, वो सिर्फ मुद्दे भटकाने वाली चीजों पर ध्यान देती है और लोग उसी में उलझे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर बढ़ती महंगाई के कारण आम जनजीवन पर काफी असर पड़ा है और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा है। ऐसे में इस महंगाई पर पार पाना काफी मुश्किल लगता नजर आ रहा है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता की खबर। आज हर्ष भदौरिया उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में आज का ये पेट्रोल डीजल पे बढ़ते हुए दामों को लेके एक अर्थी निकाली गई है, एक सूचना के रूप में कि वो दौर और वो वक्त दूर नहीं कि या तो आदमी अपनी गाड़ियों में आग लगाएगा या तो कंधे पे रख के ले जाएगा। जिस हिसाब से मूल्य बढ़ते जा रहे हैं, आज पता होगा कि पावर पेट्रोल 100 रुपये हो चुका है। अब इस प्रकार अगर मूल्य बढ़ेंगे तो आप बताइए आम जनता कैसे जिएगी? आप बताइए शिवराज सिंह चौहान वो टैक्स कम नहीं कर सकते जो हम वैट टैक्स कहते हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान वो टैक्स कम नहीं करवा सकते सेंट्रल से? क्योंकि उनकी मंशा नहीं है। क्यों? केजरीवाल ने नहीं किया कि हमारे अशोक गहलोत जी ने कम नहीं किया? सोच और भावना होनी चाहिए और इससे ये दिखता है कि यूथ का भविष्य तो अंधकार में है। बेचारे साइकिलों से कॉलेज जाएंगे, बाइक की सोच और भाव खत्म हो जाएंगे। जिस प्रकार से हर्ष भदौरिया ने आज का ये प्रोग्राम रखा यूथ कांग्रेस के बैनर पे, हम लोग इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे और समय मिलेगा तो ईंट से ईंट भी बजा के दिखाएंगे। अर्थी भी जलाई है आज, अर्थी जलाई है और अर्थी जलाने का सिंपल संदेश है, बाइक रख के बिल्कुल एक देखिए क्या होता है, एक मैसेज होता है। मैसेज क्या है कि आने वाला वक्त है, आदमी को कंधे पे ही ले जाना पड़ेगा और क्या करेगा। या बैलगाड़ी बाइक को नहीं जलाया, बाइक इसलिए नहीं जलाया क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी है, हिंसा नहीं है, हिंसा का पथ और विचार धारणाओं से चलती है। भिंड दतिया की लोकसभा सांसद संध्या राय भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ग्वालियर आई। इस दौरान भाजपा के नेता ओम कैलाश वीर सिंह बेनीवाल वार्ड 21 ने अपनी साथियों के साथ संध्या राय का फूल मालाओं से स्वागत किया। दतिया क्षेत्र की लोकसभा सांसद संध्या राय भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद वे पहली बार ग्वालियर आईं। इस दौरान ग्वालियर में उनका जमकर स्वागत किया गया। ग्वालियर में वार्ड नंबर 21 में भाजपा की पार्षद पद की प्रबल दावेदार श्रीमती ओम कैलाशी वीर सिंह बेनीवाल द्वारा उनका अपने साथियों के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने यहाँ पहुँचकर उनसे बात भी की। उन्होंने इस मामले में बताया कि उनके Amen.
बोला बोला मैं ओम कैलाश बेनीवाल श्रीमती सिंह बेनीवाल जी और वार्ड नंबर 18 से श्रीमती संजय राय जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ग्वालियर शहर के वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत हदू खां पार्क बड़ापुर में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पहल पर आयोजित किए गए इस शिविर में फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर एवं इंटरनेट की सुविधाओं के साथ साथ नगर निगम सहित राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, पुलिस, विद्युत वितरण कंपनी इत्यादि विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के वार्ड नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले हदू खां पार्क बोड़ापुर पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पहल पर आयोजित किए गए इस शिविर में फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधाओं के साथ नगर निगम सहित राजस्व, खाद्य विभाग, पुलिस, विद्युत वितरण कंपनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं को मंत्री जी के सामने रखा। मंत्री जी ने भी उनकी समस्याओं को सुना और निराकरण करने के हर संभव आश्वासन देते हुए तत्काल कुछ समस्याओं का निराकरण भी करवाया। यहाँ बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 दिन के लिए स्वच्छता अभियान को लेकर पदयात्रा भी निकाली जा रही है। जोर से बोलो। साइना, कहाँ से आयो? काय के लिए आयो? राशन कार्ड बनवाने आए। बन गया आपका? नहीं बना अभी। क्या कह रहे हैं ये? अभी टाइम लगेगा, शाम तक। शाम तक कह रहे हैं, शाम तक बन जाएगा। कितने बजे के आयो? चौका वासन की किताब मिल चुकी है। किताब बताओ, किताब कहाँ है? मतलब कहाँ से आयो? किशनबाग। आप लेके नहीं आए? लेकर आए, अब बोलने लगे अब जाली आई, फोटो कॉपी नहीं है, पास नहीं है, अब लेकर आना है। तो आईडी मांगी और क्या मंगाए? और आधार कार्ड की आईडी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए। तो आपको लेके आना चाहिए ना। जी तो लेकर आए, लेकिन ना फाइल पूरी नहीं हुई है। मान नहीं कर रहे हो? मना कर रहे हैं, अभी पहले पूरी करो तब देंगे। अच्छा, आपका नाम? शहनाज। आप कहाँ से हो? इस्लामपुर से। कहाँ से आई हो? आप काय के लिए आई हो यहाँ? यानी मजदूरी कार्ड बनाने। आपका बना नहीं बना? अभी नहीं बना। क्या कह रहे हैं आप कहीं दी अंदर? तो अभी तो पता नहीं है क्या कह रहे हैं। कह रहे 4 बजे तक में बनेंगे। आपको टाइमिंग कितना हो गया? बच्चे को लेके आयो, टाइमिंग कितना हो गया? 10 बजे से भर रहे हैं। 10 बजे से परेशान हुआ, आपका काम नहीं हुआ अभी तक? तो आपने फार्म भर दिया था यहाँ? अभी नहीं भरा। तो भरो ना। हिंदू महासभा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सांसद जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सहबुद्धि प्रदान करने और हिंदू महासभा द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया। हिंदू महासभा ने मंदिरों की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के मामले में भी सरकार को घेरा। सिंधिया शिवराज सरकार ग्वालियर के अंदर धार्मिक एवं राष्ट्रीय भावनाओं के विपरीत कार्य को रोके अखिल भारत हिंदू महासभा लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। मंदिरों से अतिक्रमण हटाया जाए, वीर सावरकर सरोवर पर
जो है जनता के लिए खोला जाए। 3 साल से बंद है। हमारे राष्ट्रीय यह प्रतिभाओं को विलुप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। टाउन हॉल शहीद अमरचंद भाटिया सभागार को लोगों के लिए खोला जाए, महारानी लक्ष्मीबाई सभा मार्केट को ये लोगों के लिए खोला जाए, इस मांग को लेकर लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। लेकिन गुंगी भैरी सिंधिया शिवराज की सरकार सुन नहीं रही, इसलिए जिला प्रशासन और शिवराज सरकार को जगाने के लिए उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, इसलिए हिंदू महासभा ने आज सद्बुद्धि यज्ञ प्रदेश के महामंत्री श्री विनोद जोशी जी, लाल जी, शर्मा जी, हरिदास जी, अग्रवाल जी और मनोज जाटव जी, पवन गुप्ता जी, आरती सूर्यवंशी जी, उषा जी के नेतृत्व में किया। हमारी स्पष्ट कहना है, यदि 7 दिवस के अंदर अंदर ये मांगों को नहीं ध्यान दिया गया तो उग्र आंदोलन सड़कों पर होगा। लोकायुक्त की टीम ने डबरा तहसील के नायब तहसीलदार के रीडर को किसान से 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। जब रीडर के हाथ पानी से धुलवाए तो उसके हाथ लाल भी हो गए। लोकायुक्त की टीम ने डबरा तहसील के नायब तहसीलदार के रीडर को किसान से 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। लोकायुक्त की टीम ने रीडर को गिरफ्तार कर लिया। जब रीडर के हाथ पानी से धुलवाए तो उसके हाथ लाल भी हो गए। टीम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों रीडर को पकड़वाने के बाद अपनी कागजी खानापूर्ति में लगी हुई थी। डबरा तहसील के चीमक व्रत के गांव गोबरा निवासी उदयवान सिंह रावत अपनी जमीन का नामांतरण कराने के लिए तहसील के लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन तहसील में नायब तहसीलदार के रीडर साइग्रेटिन ओम प्रकाश शर्मा उसे लगातार टाल रहा था। बाद में ओम प्रकाश ने नामांतरण करने के बदले 3,000 रुपये की रिश्वत की मांग उदयवान से की। इसके बाद उदयवान सिंह लोकायुक्त टीम के पास पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त ने उदयवान को रिकॉर्डर दिया और रीडर से रिश्वत लेने की बातचीत की, रिकॉर्डिंग कराई और रुपए देने का दिन व समय फिक्स किया। गुरुवार को जब रीडर ओम प्रकाश तहसील में ही था तो पहले उदयवान लोकायुक्त टीम द्वारा रंग लगे हुए नोट लेकर ओम प्रकाश के पास पहुंचा। उदयवान ने ओम प्रकाश को रुपए दिए। जैसे ही ओम प्रकाश ने रुपए लेकर जेब में रखे, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया और उसके हाथ धुलवाए। तब उसके हाथ लाल हो गए। साथ ही जिस जेब में उसने रुपए रखे थे वहां से रुपए भी लोकायुक्त टीम ने जब्त कर लिए। रुपयों पर लोकायुक्त टीम के हस्ताक्षर भी थे। इसके बाद टीम ने रीडर ओम प्रकाश को हिरासत में ले लिया और कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। किस प्रकार की कार्रवाई की गई आज जो यहां तक रही? ये उदयवान सिंह रावत एक शिकायतकर्ता हैं, उन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की थी कि तहसील के चीमक के जो रीडर है ओम प्रकाश शर्मा, वो नाम उनकी पत्नी के नामांतरण का प्रकरण है जो उनके न्यायालय में लंबित चल रहा था और नामांतरण उनका लंबित था, तो उस नामांतरण को करने के एवज में वो 3,000 रुपये रिश्वत की मांग रहे थे। उस संबंध में शिकायत उनके द्वारा हमारे यहाँ की गई, हमारे द्वारा इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी रिश्वत मांगने की दर्ज की गई है और उसके बाद आज ट्रेप की कार्रवाई की गई, जिसमें 3,000 रुपये इनके द्वारा ओम प्रकाश शर्मा जी के द्वारा लिए गए और उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है और कार्रवाई की। किस तरीके की कार्रवाई अब आगे की जाएगी? वो तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्रवाई है और इसमें ट्रेप का मामला बना है और ये न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लाला लाजपत राय की जयंती पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर लाल वाल पाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नगर निगम ग्वालियर पर महापुरुषों की प्रतिमाओं की उपेक्षा करने वाले का आरोप लगाया। लाला लाजपत राय की जयंती पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने लाल वाल पाल की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर उनको माल्यार्पण किया। यहाँ मौजूद हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने रोष भी प्रकट किया। उनका कहना था कि जिस प्रकार से नगर निगम द्वारा महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनादर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इनकी कोई देखरेख भी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को वे कई बार इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भविष्य में अगर इन प्रतिमाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है तो फिर वे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। क्या कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आप आए हैं, किस तरह का आपको प्रचार समाज का? देखिए, लगातार नगर पालिका निगम के द्वारा राष्ट्रीय महापुरुषों का जो है प्रतिमाओं का उपेक्षा की जा रही है। अभी 25 जो है जनवरी को राजमाता वीरराजे सिंधिया की पुण्यतिथि थी
उनकी प्रतिमा पर होर्डिंग लगे रह गए, लेकिन होर्डिंग बीजेपी की सरकार होने के बाद भी नहीं हटे। अब वो दुर्घटनाएं उस चौराहे पर हो रही हैं, उनकी प्रतिमा को छुपा दिया गया। राजमाता सिंधिया ग्वालियर की शान बान थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर भी ध्यान सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो उनके पोत्र हैं, उनने भी नहीं दिया। ऐसी शर्मनाक घटनाएं हमारे जो है महापुरुषों के साथ भी हो रही हैं। हर चौराहों पर लगी हुई प्रतिमाओं पर जो माल्यार्पण होता था, वो माल्यार्पण बंद कर दिया गया। आज माल्यार्पण भी नहीं होता। ऐसी परंपराओं को जो है उपेक्षित किया जा रहा है। राष्ट्रभक्ति को जो है विलुप्त करने का काम सरकार करेगी। ध्वज का भी अपमान हुआ था। देखिए, लाल किले पर जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, उसके अंदर हमारा सीधा कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी दे देनी चाहिए। और उसके पीछे जो है जो लोग आंदोलनकारी थे, उसको लेकर आज हिंदू महासभा प्रधानमंत्री के नाम जो है ज्ञापन देने जा रही है, दे रही है। और जो है जिला प्रशासन को भी सचेत किया है। हम चाहते हैं कि शहर के अंदर शांति सद्भाव बना रहे। कहाँ पर आए हैं? हम लाला लाजपत राय की जयंती पर उन्हें उनकी प्रतिमा लाल वाल पाल चौराहे पर जो है माल्यार्पण करने के लिए हिंदू महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता महिलाओं के साथ उपस्थित हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि हम राष्ट्रभक्ति के लिए काम करते हैं, राष्ट्रभक्ति के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन यदि उपेक्षा हुई राष्ट्रभक्तों की, क्रांतिकारियों की उपेक्षा की गई, तो इस सरकार से आमने सामने की लड़ाई हिंदू महासभा सड़कों पर लड़ेगी। ज्ञापन किसको देने जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, उनके जो लाल किले पर जिन्होंने अपमान किया राष्ट्रीय ध्वज का, उनको देशद्रोही करार देकर देश निकाला दिया जाए। और राहुल गांधी एवं जो आपके कमलनाथ जी जो 3000 ट्रैक्टर लेकर वहाँ पहुँचे दिल्ली के अंदर और सारा का सारा आंदोलन को फीडबैक दिया, ऐसे दोषियों पर भी कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस मांग को लेकर हिंदू महासभा ज्ञापन विनोद जोशी के नेतृत्व में देने जा रही है। अब होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।